अगर जेरोक्स नहीं होती तो आज शायद से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होते। जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल मार्केट को रूल कर रहे हैं वो एक्चुअली में उनके है ही नहीं। 1970s में जेरोक्स फोटोकॉपी की दुनिया का बादशाह था और बादशाह बना रहने के लिए उसने पार्क नाम से एक रिसर्च सेंटर बनाया। वहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर माउस, इथरनेट और GUI बनाए गए, पर जेरोक्स को पार्क के किसी भी इनोवेशन में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। 1979 में स्टीव जॉब्स पार्क गए और उनको पार्क की GUI टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने 1,00,000 एप्पल शेयर्स देके GUI का डेमो ले लिया। एट द सेम टाइम बिल गेट्स ने भी पार्क के कुछ रिसर्चर्स के साथ मिलकर अपनी एक टीम बना ली, लेकिन स्टीव जॉब्स अपने GUI इंटरफेस वाले मैक को लॉन्च करने में थोड़ा सा लेट हो गए और नवंबर 1983 में बिल गेट्स ने अपने GUI इंटरफेस वाली विंडोज MS Word को लॉन्च कर दिया। जेरोक्स की GUI टेक्नोलॉजी की वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट की $2.5 trillion, एप्पल की $3 trillion और जेरोक्स की केवल $2.8 billion वर्थ है। स्टीव और बिल ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पहचाना और आज उसी की हेल्प से मार्केट को रूल कर रहे हैं। ऐसे ही और बिजनेस वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।